लुढ़क लुढ़क के मैं नीचे आ गया हूँ। तो ये गेम जो आप देख रहे हो ये है किलज़ोन शैडो फॉल प्लेस्टेशन 4 PS4 पर। और जितने भी मैंने अभी तक इसके पार्ट बनाए हैं या भाग बनाए हैं सिर्फ वहीं वहीं मुझे ग्राफिक्स पसंद आए, बाकी जगह मुझे ग्राफिक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और काफ़ी जगह पे आपको दिखेगा कि ये फोटोशॉप का काम किया गया है और उल्लू बनाने की चेष्टा की गई है। तो बाकी फ़िलहाल अगर इसी मैप जो फ़िलहाल ये चल रहा है गेम प्ले, इसी गेम प्ले या इसी मैप को देखकर एक मल्टीप्लेयर मैप भी निकाला गया है। हालांकि सभी मैप जो कैंपेन मोड हैं उसी से इंस्पायर हैं, और जो मल्टीप्लेयर में सेम टू सेम जो मैप हमें खेलने के लिए दिया गया है वो है द वॉल। और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी लाइटिंग, बहुत ही अच्छा मुझे ये गेम लगा। पर मैं आज बात करने वाला हूँ सोनी की जो मिसलीडिंग मार्केटिंग है उसके बारे में, मैं आपको बताने वाला हूँ। निसंदेह PS4 1080p डिलीवर कर सकता है और उसकी जो HDMI केबल है वो 4K डिलीवरी कैपेबिलिटी रखती है। पर आज मुझे बात करनी है किलज़ोन शैडो फॉल की, किस तरह से इसको मिस मार्केट किया गया ताकि ये गेमर्स के बीच में बिके खूब सारा। और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जिस दिन लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था प्ले स्टेशन का किलज़ोन शैडो फॉल का, जिस दिन लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था मुझे याद है सुबह 5 बजे की बात है, तो उस दिन बताया गया था, सभी गेमर्स वहाँ पे मौजूद थे, सभी गेमर्स वहाँ पे उपस्थित थे, तो उस दिन बताया गया था कि जो PS4 है वो 1080p है। और PS4 1080p है भी, PS4 की जो केबल आती है HDMI वो 4K डिलीवरी कैपेबिलिटी रखती है, PS4 की केबल नहीं रखती जहाँ तक मुझे पता है। तो आज मुझे बात ये करनी है कि किस तरह से मिस मार्केट किया गया किलज़ोन शैडो फॉल को। किलज़ोन शैडो फॉल 1080p है पर 1920x1080p नहीं है, यानी कि वो फुल HD नहीं है। जो किलज़ोन का ये गेम प्ले आप देख रहे हो ये भी शेयर बटन द्वारा रिकॉर्ड किया गया है जो कि 720p पर रिकॉर्ड करता है 30fps पर। और जो किलज़ोन शैडो फॉल एक्चुअली गेम प्ले हम देखते हैं 1080p पे वो होता है 960x1080p, 960x1080 पिक्सल्स, ना कि 1920x1080p। तो ये मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है ये फॉल्स मार्केटिंग है। और आपने पूरी तरह ये बात क्लियर नहीं करी कि भाई ये फुल HD नहीं है, और कहीं भी आपने बताने की चेष्टा नहीं करी, आपने सिर्फ लिख दिया 1080p गेम है किलज़ोन शैडो फॉल के कवर पे। तो इससे तो कोई आम आदमी यही समझेगा, 1080p एक जनरल समझ हो गई आजकल कि अगर कोई 1080p की बात कर रहा है तो वो फुल HD ही कंसिडर किया जाता है और 1920x1080p ही उसको समझा जाता है, पर ऐसा है नहीं। तो मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप मार्केटिंग प्रैक्टिस करोगे तो होना जाना कुछ नहीं है, आप अपनी साख गिरा रहे हो और गेमिंग इंडस्ट्री पर एक धब्बा लगा रहे हो, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है। और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो पता नहीं कहाँ जाएगी गेमिंग, उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, ना कोई लगा सकता है। हाँ इतना ज़रूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गेमर्स पर जो विश्वास बंधा हुआ है सोनी जैसे ब्रांड का वो ज़रूर कम होगा। दूसरी बात, मैं मल्टीप्लेयर की बात करता हूँ, मल्टीप्लेयर भी 1080p पर नहीं चलता है। कि हाँ सोनी से जब पूछा गया कि भाई 1080p कहाँ है तो सोनी ने बोला कि नहीं नहीं 1080p है। और जब उनसे बात की गई इस बारे में तो उन्होंने कहा हाँ 1080p है, 960x1080p है, हमने कहाँ बोला कि 1920x1080p है। और अगर आप वॉच डॉग्स के बारे में भी इंतज़ार कर रहे हो तो वॉच डॉग्स भी आपको 900p पर ही मिलेगा, 1080p पर नहीं मिलेगा आपको वॉच डॉग्स। पर मैं बात करता हूँ किलज़ोन शैडो फॉल की, इसका जो मल्टीप्लेयर भी है वो भी 1080p पर नहीं चलता है, 900p पर चलता है, उसको अब स्केल किया जाता है। और गेमर्स को पूरी तरह से यहाँ पे फॉल्स मार्केटिंग करके इन्होंने गेम बेचा है। और मुझे लगता है तीन एक साल में ये PS5 निकाल देंगे 4K गेमिंग के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट आज के ज़माने में हो चुका है। तो ये बस यही सब चीज़ें हैं कि जब कभी भी फॉल्स मार्केटिंग होती है तो बड़ा उससे दुख होता है कि ऐसी फॉल्स मार्केटिंग करके इन्होंने गेम बेचा, जिस गेम को हम इतनी आस्था से खरीदते हैं कि हाँ भाई अभी गेम आने वाला है, हम 3-4 महीने वेट करते हैं, 6-6 महीने वेट करते हैं, जैसा कि EA वालों ने किया बैटलफील्ड 4 के साथ। वैसा ही कहीं ना कहीं EA के बराबर तो नहीं पर सोनी ने कुछ हद तक तो चीज़ें छुपाई, झूठ नहीं बोला, चीज़ों को छुपाना भी एक तरह का झूठ ही है, एक तरह का अपराध ही समझो आप उसको। तो ये है, तो मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले गेम्स हमको 1080p पर खेलने मिलेंगे, क्योंकि PS4 की कैपेबिलिटीज़ उतनी है, पर डेवलपर्स को काम करना होगा, डेवलपर्स काम करेंगे तब जाके 1080p डिलीवरेंस हमको मिलेगी 60 फ्रेम्स पर। एक बात मैं बताना चाह रहा था कि जो मल्टीप्लेयर था वो भी 60fps में नहीं चलता था, सिर्फ 50fps पर ड्रॉप होता था किलज़ोन शैडो फॉल का मल्टीप्लेयर। तो ये भी एक मिसलीडिंग बात हमसे कही गई कि 60fps चलेगा, हाँ 60fps छूता है पर कभी कभी।
तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं हूँ गोल्डी, भारत माता की जय।